दोस्तों नमस्कार। 2 फरवरी 2019 को जंतर मंतर दिल्ली की महासभा तो आपको याद होगी ही, क्योंकि इसमें एसपी यादव यानी कि जो एआईएसओ के संगठन के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी महासभा की थी जिसमें कांग्रेस के राहुल गांधी जी को आमंत्रित किया गया था, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया गया था, मगर ये लोग तो पहुँचे नहीं थे। मगर इनके नुमाइंदे और नेतागण जी शरद यादव जैसे लोग पहुँचे थे, जहाँ पर इन्होंने 50 दिन में पैसा वापसी करने का आश्वासन दिया था यदि उनकी सरकार बन जाती है। तो ये एक चुनाव के मद्देनजर बात थी, मगर इस जंतर मंतर पर ये महासभा हुई, इसका असर क्या पड़ा है और किस तरीके से सरकार थर्रा गई है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आज तक आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि किसी भी बड़े चैनल पर पीएसएल की न्यूज़ क्यों नहीं आती है, मगर अब ये शिकायत दूर हो चुकी है। मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि अब बड़े चैनल पर भी न्यूज आ रही है और मोदी सरकार पर क्या असर पड़ा है, मोदी सरकार ने क्या फैसला लिया है, अब वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक छोटी सी खुशखबरी है इसमें, हालाँकि ये खुशखबरी बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि जब दबाव में कोई सरकार होती है तो कोई फैसला लेती है चिटफंड कंपनी के विरुद्ध, तो कुछ ना कुछ बड़ा संदेश आप लोगों को मिलता है कि कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव है। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि बड़े टीवी चैनलों पर लगातार न्यूज आ रही है और साथ में मोदी सरकार का जो निर्णय हुआ है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपने एनडीटीवी का तो नाम सुना ही होगा। एनडीटीवी के रवीश कुमार जी ने जब से जंतर मंतर दिल्ली में एआईएसओ के एसपी यादव जी ने मीटिंग की है, महासभा की है, और भारतीय लोक सेवा दल को भी आमंत्रित किया था, भारतीय लोक सेवा दल के महेंद्रपाल दानगढ़ जी ने भी पूरे जोश के साथ सभी निवेशकों का आदर किया था, सभी निवेशकों को समझाया था, और जो वहाँ पर फौजीगण थे, जो सेवानिवृत्त थे, जो सिपाही थे, उनके लिए भी लड़ने का आह्वान किया था। तो इसकी खबर एनडीटीवी पर लगातार आ रही है। जो रवीश कुमार जी थे, पीएसएल का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठा रहे हैं, 5-7 मिनट नहीं बल्कि आधे घंटे, पौन घंटे, एक घंटे तक का कवरेज इसमें दिखाया जा रहा है। मैं आपको छोटी सी क्लिप भी दिखा दूंगा, हालांकि किसी दूसरे चैनल के अपने चैनल पर क्लिप दिखाना भी मान्य नहीं है, कॉपीराइट हो सकता है, मगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा विश्वास दिलाने के लिए रवीश कुमार जी की एनडीटीवी वाली थोड़ी सी वीडियो दिखाऊँगा, क्योंकि ये आप लोगों के विश्वास की बात है और हमारे चैनल के विश्वास की बात है। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या कि जब महासभा हुई तो महासभा के बाद राहुल गांधी जी आने थे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आने थे, मगर नहीं आए, मगर उनके नुमाइंदों ने कहा कि 50 दिन में पैसा वापसी करा देंगे। मगर ये महासभा में जब हजारों की संख्या में यहाँ पर पब्लिक इकट्ठा हुई, उससे पहले भारतीय लोक सेवा दल ने महासभा की थी, उसमें भी हजारों की संख्या में पब्लिक इकट्ठा की थी, उस समय कोई कवरेज नहीं हुआ था, पेपर्स में आया था मगर टीवी चैनलों पर नहीं आया था। मगर यहाँ पर एनडीटीवी चैनल के रवीश कुमार जी ने पूरी डिटेल से बताया कि ये पिछले 4 साल का मामला लटका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो जब से एनडीटीवी के ऊपर खबर आई तब से सरकार हिल गई है और सरकार ने आनन फानन में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है चिट फंड कंपनी के विरुद्ध, मगर उस फैसले से पीएसएल के निवेशकों का या जितनी भी चिटफंड कंपनियां हैं उन निवेशकों का जो पैसा फंसा हुआ है वो वापस होने का कोई आदेश नहीं है। हाँ, थोड़ी सी राहत भरी फ्यूचर को देखते हुए है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा इसमें निर्णय लिया है कि जितने भी चिटफंड कंपनियां हैं वे कोई भी स्कीम बिना रजिस्ट्रेशन के आगे नहीं बढ़ा पाएगी, यानी कि यदि कोई चिटफंड कंपनी चला रहा है बिना रजिस्ट्रेशन के, वो कोई भी आगे किसी को भी लालच देकर के स्कीम नहीं चला सकता। जो भी स्कीम उस कंपनी में होगी पहले तो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और सेबी के अंतर्गत होनी चाहिए या आरबीआई के अंतर्गत होनी चाहिए, जितने भी संस्थाएं हैं उनके अंतर्गत, गवर्नमेंट के अंतर्गत होनी चाहिए। और उसमें भी जो स्कीम चला रहा है, जैसे कि अभी आपने पीएसएल का देखा 6.5 साल में शायद डबल था या 7 साल में डबल था, तो इस तरह की कोई भी स्कीम यदि कोई चला रहा है तो पहले वो स्कीम भी पास होनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए स्कीम, उसी के बाद ये स्कीम आगे पब्लिक को प्रोवाइड करा सकता है। मगर कोई कंपनी यदि ऐसा नहीं करती
तो उसकी प्रॉपर्टी पर सारा हक सरकार का होगा, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा और वो प्रॉपर्टी निवेशकों में बांट दी जाएगी, उनके जो बेच करके जो भी पैसे इकट्ठा होता है, जिनका पैसा फंस चुका है। मगर ये अब आने वाले फ्यूचर के लिए है, उनका क्या होगा जो कंपनी बंद हो चुकी है और PSL निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, वे 6 करोड़ निवेशक उन लोगों का पैसे वापसी का क्या होगा। तो ये तो एक छोटी सी खुशखबरी है कि फ्यूचर के लिए चिटफंड कंपनियों के लिए इतने एक प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम स्टार्ट कर दी है। ये असर हुआ है जंतर मंतर पर महासभा का और रवीश कुमार जी की रिपोर्ट का, जो NDTV के बड़े एंकर है, आपने देखा भी होगा NDTV पर, और लगातार ये खबरें PSL की रवीश कुमार जी दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रवीश कुमार जी ने SB यादव जी से भी संपर्क किया था कि उनको पूरी डेटा चाहिए, मगर रवीश कुमार जी ने घंटे का कोई डेटा उन्हें अवेलेबल नहीं करा पाए किसी कारण से, मगर धीरे धीरे अवेलेबल हो रहा है और जैसे अवेलेबल हो रहा है NDTV पर लगातार कवरेज बढ़ रही है। तो हम रवीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं, यदि आपको ज़्यादा कुछ चाहिए तो आप साथ ही साथ में AISO के अध्यक्ष है यादव जी, उनसे तो संपर्क रखिए, साथ में चंद्रशेखर आज़ाद जी है, बहुत सारा प्रूफ उनके पास पड़ा हुआ है PSL के मैटर को लेकर के, भारतीय लोक सेवा दल के पास पड़ा हुआ है, आप उनसे भी संपर्क साध सकते हैं। तो उनके पास बहुत सारा मैटर है जो आपके काम आ सकता है और PSL निवेशकों का पैसा मिल सकता है, क्योंकि आपके चैनल बड़े हैं और बड़े चैनलों के ऊपर जो जनता और जो सरकार की पैनी नज़र रहती है उनका असर पड़ता है। जिस तरीके से आपने अपने NDTV चैनल के ऊपर खबर दी, तभी से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चिटफंड कंपनी के विरुद्ध ये जो फैसला लिया है कि रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी स्कीम आगे नहीं बढ़ पाएगी, पहले रजिस्ट्रेशन होगा और उसी के बाद गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार आगे बढ़ाई जाएगी, तभी अगर कोई बिना रजिस्ट्रेशन के स्कीम चला रहा है तो उसको दंड दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है और बड़ी खुशखबरी वाली खबर है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये कवरेज आप देख रहे होंगे, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि रवीश कुमार जी ने ये मुद्दा भी थोड़ा सा हल्के भाव में उठाया, मगर हाँ उनके मुंह से ज़रूर आया था कहीं ना कहीं कि अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि इस को कवरेज किया गया हो। मगर हम आपको बता दें, ये जो सारी मीडिया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में थी शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर, ये शारदा चिटफंड घोटाला 80-90 के दशक का था, तो अब ये 4 साल पुराना है PSL का। तो जब 80-90 के दशक में इतनी सारी मीडिया आ सकती है शारदा चिटफंड को लेकर के, तो क्या 4 साल पहले जो ताज़ा है उसके लिए मीडिया क्यों नहीं आती। चलिए रवीश कुमार जी का हम फिर भी धन्यवाद करते हैं कि NDTV पर लगातार PSL की न्यूज़ दिखा रहे हैं, जिस कारण से सरकार पर दबाव पड़ रहा है। तो अब देखना यह है कि कितना दबाव सरकार के ऊपर पड़ सकता है, क्या कोई एक्शन ले सकती है चुनाव से पहले। तो इसमें भारतीय लोक सेवा दल का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सबसे पहले जंतर मंतर पर जो बड़ी संख्या लेकर आई अपने धरने में, जो भूख हड़ताल की महेंद्र पाल दानगढ़ जी ने, अमित गर्ग जी ने, रविशंकर गौतम जी ने, विकास त्रिपाठी जी ने, तो बहुत बड़ा सहयोग है उनका भी। और उसके बाद AISO का धरना हुआ यहाँ पर उसी स्थान पर जहाँ पर पहले भारतीय लोक सेवा दल कर चुकी है, और साथ में भारतीय लोक सेवा दल भी यहाँ पर उपस्थित थी, उन्होंने भी संबोधित किया था निवेशकों को और सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया है और अपना पैसा लेने का दम दिखाया है। तो ये भारतीय लोक सेवा दल, AISO संगठन, जितने भी छोटे बड़े संगठन हैं जो सब चाहते हैं कि पैसा वापसी हो, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं के कारण और NDTV के रवीश कुमार जी के कारण आज सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है और आप लोगों का पैसा वापसी होने की कुछ न कुछ उम्मीद जग रही है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कुछ बॉन्ड्स सर्टिफिकेट्स वगैरह जमा करने शुरू हो चुके हैं, ऐसी डिटेल्स मंगाई जा रही है, मगर अभी तक इसकी SEBI की वेबसाइट पर कुछ नहीं है, इसलिए हम कन्फर्म नहीं हैं। जैसे ही कुछ ऐसी आएगी डिटेल हमारे पास तो हम आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा और आप NDTV चैनल को भी देखते रहिएगा, क्योंकि NDTV चैनल पर PSL की खबर भी आती है, और हमारे टेप न्यूज़ चैनल को भी देखते रहिएगा, क्योंकि टेप न्यूज़ चैनल आपके लिए वो खबर लेकर आता है जो बड़े चैनलों पर नहीं आती और अच्छी लेटेस्ट खबर लेकर के आता है। और आपको अब आपको उम्मीद है कि अच्छी अच्छी खबर ही आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि ये अच्छी खबर दबाव में आने वाली है। सरकार दबाव में है, चुनाव नज़दीक है और चुनाव की
सारी ताकत आप लोगों के हाथ में है। जब तक आप लोगों की वोट आपके हाथ में है तब तक सरकार परेशान रहेगी वोट पाने के लिए और कुछ ना कुछ खुशखबरी आपको देगी पैसा वापसी को लेकर। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। आप देखिएगा वीडियो को, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।